स्मृति ईरानी जी के लिए तो बोलना भी अभी ऐसा हो रहा है कि हम ही को शर्म आ रहा है, क्योंकि महिलाओं के इतने मुद्दे हो गए एंड वो तभी आती है जब उनको राहुल जी के खिलाफ पीसी करना होता है। आप पहले एक महिला हो, आप नेता बाद में बनी हो, लेकिन एक अंदर से पता नहीं कैसे एज अ फीमेल उनके अंदर का वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बाहर आ रहा कि इतने बड़े बड़े कांड होने के बाद भी वो राहुल जी के लिए बोल रही है। मनिपुर में इतनी गंदी चीज हुई है कि मतलब एज अ फीमेल हम लोगों को देखा नहीं गया, मैं तो बिल्कुल नहीं देखी उस वीडियो को। तो आप कैसे कुर्सियों पे बैठी हुई और फीमेलों की मदद नहीं कर रही है स्टेट में, और अभी भी वायलेंस हो रहा है वहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छा है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो अनपढ़ थे वो बढ़िया थे कि ऐसी सरकार ना लेके आए वो। अरे शर्म आनी चाहिए, कुर्सी है वो, जनाजा नहीं है जो उतर नहीं सकते। मेरे बच्चे तो मेरे और देश के बच्चे, वो बच्ची किसकी है? आपने देखा वो वीडियो? मुझे लगता है हम रात भर सोए नहीं। ये हिंदुस्तान जो एक मिट्टी की बनी हुई मूर्त को कपड़े पहनाकर पूजता है और देवी का नाम दिया जा रहा है, और जो खुद साक्षात जिंदा रूप में महिला है उसका आप क्या कर रहे हो? उसको नंगा करके घुमा रहे हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाल ही में राहुल गांधी मणिपुर गए थे और उस घटना को स्मृति ईरानी ने कहा था कि जो है बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी अब देश में भी कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक स्मृति ईरानी जी के लिए तो बोलना भी अभी ऐसा हो रहा है कि हम ही को शर्म आ रहा है, क्योंकि महिलाओं के इतने मुद्दे हो गए एंड वो तभी आती है जब उनको राहुल जी के खिलाफ पीसी करना होता है। अभी मणिपुर में इतना बड़ा, आपको पता है, अभी एक हफ्ते पहले जो ये वहाँ एग्जैक्टली सब लोग शर्मसार है, और उस पर वो पीसी करने क्यों नहीं आई? आप पहले एक महिला हो, आप नेता बाद में बनी हो, लेकिन एक अंदर से पता नहीं कैसे एज अ फीमेल उनके अंदर का वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बाहर आ रहा कि इतने बड़े बड़े कांड होने के बाद भी वो राहुल जी के लिए बोल रही हैं। और कुछ भी जो अरे उनकी सरकार है उनको आगे बढ़कर इन मुद्दों पे जो भी आज हुआ है मणिपुर में, इतनी गंदी चीज़ हुई है कि मतलब एज अ फीमेल हम लोगों को देखा नहीं गया, मैं तो बिल्कुल नहीं देखी उस वीडियो को। तो आप कैसे कुर्सियों पर बैठी हुई और फीमेलों की मदद नहीं कर रही है स्टेट्स में, और अभी भी वायलेंस हो रहा है वहाँ पर। तो मैं आपके थ्रू उनको बोलना चाहती हूँ कि आप जागिए और अपनी सत्ता का सुख को थोड़ा साइड करिए, और हम सबके बीच में आपको आना चाहिए। और महिलाओं को मुद्दे में आप मुझे लगता है राजनीति ना करके हम सबके साथ आएं और इसको आगे बढ़ाएं इन मुद्दों को। जैसे वीडियो वो वायरल हुआ, सामने आया और बेहद ही दर्दनाक शर्मनाक वीडियो है, उसके बाद एक ट्वीट जरूर आया स्मृति ईरानी का और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई काफी है। देखिए, ट्वीट भी कब आए, पहले तो उन्होंने राजस्थान के ऊपर ट्वीट किया, हमारे गहलोत सरकार को एक महिला के लिए बोल रही थी, फिर उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ही ट्रोल किया गया कि आपको शर्म आनी चाहिए। चलो एक फीमेल इशू है वहाँ पे, लेकिन जो ये इतना बड़ा मुद्दा है आप उस पर ट्वीट ना करके आप गहलोत सरकार को घेर रही हैं कि पहले मतलब आप इस ट्वीट, तब उन्होंने फिर ट्रोल के बाद उन्होंने ट्वीट किया। इससे क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट है, वायलेंस तो 2-2.5 महीने से वहाँ हो रहा है, और जब राहुल जी गया तो उनको रोक दिया गया मिलने से, फिर भी राहुल जी मिले हैं लोगों से वहाँ पे। मुझे लगता है उनको खुद भी जाना चाहिए वहाँ पे, मोदी जी को भी बहुत ही मतलब जितने विदेश के दौरे हैं छोड़ के उसी काम पे लगना चाहिए। पहले मणिपुर में शांति का बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम मुद्दा है, आप शांति करिए मणिपुर में, फिर आप जहाँ मर्जी घूमिए। और जितने भी जो भी स्मृति ईरानी जी और भी जिनकी फीमेल कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं उनको तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप अपने घर से बाहर निकल के सिर्फ पीसी तब करती हैं जब हमारे नेता को टारगेट करना होता है। तो आई थिंक इट इज़ अ सेम थिंग फॉर एवरीवन एज अ बीइंग अ फीमेल। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के बाद कितनी उम्मीद लगती है? वो कार्रवाई की बात करते हैं, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर इस पे अब जाकर जागी है, अरेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं चीज़ें, लेकिन बख्शना चाहिए भी नहीं। एज अ ह्यूमैनिटी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अब भी आपने उनको सीधे फांसी की सजा, जो किसी को नेकेड आप इतनी ईव टीजिंग कर रहे हो, तो आई थिंक दे डिजर्व टू बी हैंग्ड, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े उसमें वो मानवता का कुछ इंसानियत उनके अंदर होगी, तो वो अरेस्ट होंगे, कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे को उम्मीद है कि अब ऐसा कुछ होगा। ठीक है मैम, पहले एक समय था 2011 की बात है जब निर्भया कांड हुआ था, तो दिल्ली के पूरे हर जगह पर आप विरोध प्रदर्शन देख रहे थे, दिल्ली इंडिया गेट से लेकर राजपथ, हर जगह। अब ये जो मामला सामने आया है इसमें प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आना कितना भरोसा है? और आप, जो वीडियो सामने आया, वो निर्भया का ध्यान होगा, वो उससे कई गुना ज़्यादा जितनी निंदा की जा सके ये घटना है, आपको पता हो चाहिए। और एज ए फीमेल ना केवल मैं, पूरा देश शर्मसार है। वो किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं होंगी, किसी घर का, कैसे उनको नोचा गया। मतलब आज हमें डर लग रहा है कि हम किस देश में रह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो अनपढ़ थे वो बढ़िया थे कि ऐसी सरकार ना लेके आए वो। मणिपुर केवल एकमात्र प्रदेश नहीं है, देश के नक्शे में नहीं कि भाई कागज़ का टुकड़ा उसको फाड़ के, वो इस देश का हिस्सा है। और आप इतने वो मई की घटना है और 76 दिन बाद वो वीडियो वायरल होता है। और मणिपुर के जो सीएम साहब क्या कह रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कुर्सी है वो, जनाजा नहीं है जो उतर नहीं सकते। छोड़ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं अपना इस्तीफा दे रहे? पूरा देश शर्मसार है। और हमारे देश की, ये राहुल जी के लिए कहते हैं कि राहुल जी विदेशों में, इस वीडियो से देश की इज्जत बनी है क्या? इस वीडियो से हम महिलाओं का अस्तित्व खतरे में है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और सरकारें एक ट्वीट करेंगे कि हाँ एक्शन लिया जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 1-2, हजारों की संख्या उस महिलाओं के पीछे। और पता नहीं वो तो एक वीडियो वायरल हुई है, न जाने कितनी नहीं होंगी। गाँव गली ब्लॉक आप नीचे स्तर पे तो कितनी महिलाएं ऐसे पीड़ित होंगी जो दबी हुई हैं, जिनका पता ही नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं? क्या राहुल जी की सरकार है? राहुल जी एक्शन लेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कौन लागू करेगा? मोदी जी का फर्ज बनता है कि वो तुरंत एक्शन ले। और अपने सीएम को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो सीएम को हटाए। और आपके माध्यम से मैं जितनी भी महिला सांसद है और जो मंत्री बन के बैठी हुई है बीजेपी, उनको भी कहना चाहती हूँ कि आँखों में थोड़ी शर्म कीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए। क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं संसद से बाहर निकली, क्यों नहीं सड़कों पे उतरी वो अपनी उस बहन के लिए? आप बताइए क्यों नहीं उतरे, क्या कारण है? जब स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर रेस्टोरेंट वाला मामला सामने आया था तो बेटियों की अस्मिता पर बात करते हुए नजर आई थी सदन में दहाड़। वो मासूम हो गई क्योंकि उसके पेट की थी। और किसी भी मंत्री के लिए, वो महिला बाल विकास मंत्री बनती है तो उसके लिए पूरे देश की बेटियां बेटी हैं। क्या मैं अपने घर के लिए, अगर मैं नेता बनती हूं तो पूरे प्रदेश के, जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, संसद में इसी जनता ने भेजा है, उसमें मणिपुर के लोगों का भी हाथ है। समझे, हम किसी एक विशेष की नहीं हो सकते कि मेरे बच्चे तो मेरे और देश के बच्चे, वो बच्ची किसकी है? आपने देखा वो वीडियो? मुझे लगता है हम रात भर सोए नहीं, मैं खुद नहीं सोई। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बार बार देख के, सो के, कि कैसे खून में लथपथ है आज ये हिंदुस्तान, जो एक मिट्टी की बनी हुई मूर्त को कपड़े पहना कर पूजता है और देवी का नाम दिया जा रहा है। और जो खुद साक्षात जिंदा रूप में महिला है, उसका आप क्या कर रहे हो? उसको नंगा करके घुमा रहे हो। ये शर्मनाक नहीं है, ये डूब मरने वाली बात है। मैं स्वयं फौजी की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, मैं सरपंच रही हूँ। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मतलब किस तरह की आप शेयर नहीं कर सकते, आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। और मंत्री, हमारे राजस्थान में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, अरे जहाँ भी जो हुआ, अब क्या हुआ, उस पर एक्शन लीजिए। हम ये कह रहे हैं, आप करते रहना राजनीति, आप खुद राजनीति कर रहे हैं महिलाओं के मुद्दे पर, तो शर्म आनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से ये जब वीडियो सामने आया था पूरे देश का गुस्सा था, आपको लगता है कि इस पर जितनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जितना एक्शन लेना चाहिए था, उतना लिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझती 1-2 गिरफ्तारी करके आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हजारों की भीड़ है, 1-2 चेहरों को आप करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये तुरंत एक्शन होना चाहिए। वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हर शहर गाँव की होती है, उनको जानकारी होती है। अगर आप ऑर्डर देंगे सारे काम होंगे, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। इतने दिनों से राहुल जी कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, मणिपुर जल रहा है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। क्यों सोए हुए हैं नरेंद्र मोदी? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं जाते? सिर्फ चुनावी रैली का जो है युद्ध है वो रोक देते हैं, लेकिन मणिपुर, हाँ, वहाँ से फ़ोन करके रोक देते हैं। अपना घर जल रहा है, और जब आपका एक कमरे में आग लगी और आप दूसरे कमरे में कैसे सो सकते हैं? सो सकते हैं अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मैं आपके बिल्कुल साथ नहीं हूँ। आप बताइए, आपके एक कमरे में आग लग रही है और आप शांति से दूसरे कमरे में सो जाएंगे क्या? ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनके एक कमरे में, मणिपुर एक कमरे है, हमारा घर है, उसके घर के एक हिस्से में आग लग रही है और प्रधानमंत्री आराम से सो रहे हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है, ये सोचने का विषय है। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।